योगी मोदी को दी जान से मारने की धमकी, अमित शाह की पुलिस ने कर दिया इलाज, शैतानी करने वाले शख्स पर चला चाबो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी मिलती रहती है। कभी कोई कॉल करके बम से उड़ाने की धमकी देता है तो कभी कोई किसी तरीके से मारने की धमकी देता है। हालांकि ऐसे धमकी देने वालों का इलाज लगातार पुलिस करती भी है और अब इसी कड़ी में एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई तो अमित शाह की पुलिस ने धमकी देने वाले का इलाज कर दिया और ये सब कुछ हुआ दिल्ली में। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस शख्स ने ये धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दी वो 2009 से लेकर अब तक कई बार इसी तरीके से अलग अलग धमकियां देता रहा और पुलिस को परेशान करता रहा, लेकिन अब की बार पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसका इलाज अब शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद फोन बंद कर दिया गया। पुलिस लोकेशन और एड्रेस के जरिए वहां पहुंची तो उसने शख्स को पकड़ लिया, जिसने 29 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में 15 मिनट के भीतर ब्लास्ट करने की भी धमकी दी थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का शख्स है जो कि कभी अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की धमकी देता है, कभी पीएम मोदी को, कभी राष्ट्रपति भवन को उड़ाने की धमकी दे देता है। और अब पुलिस अफसरों ने इसकी पूरी जांच की है और बताया है कि क्या कुछ मामला है। दरअसल धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद जांच शुरू की गई। पुलिस अफसरों ने इसके बाद बताया कि मंगलवार रात करीब 10:05 पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है, जिसमें कॉल करने वाला कहता है, नृत गोपाल दास आश्रम से बोल रहा हूँ, मैंने योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हेलीकॉप्टर में बम लगा दिया है। अब जब इतना दिल्ली पुलिस ने सुना तो उसके होक्स फाख्ता हो गए और आनन फानन में इसकी जांच शुरू की गई। खजुरी खास थाने के SI सुखपाल सिंह राणा को ये कॉल सौंपी गई, जिन्होंने उस नंबर पर कॉल किया तो बंद मिला। फिर मामले को संवेदनशील तरीके से देखा गया और तुरंत लोकेशन ट्रेस की गई और कॉलर का एड्रेस निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस आरोपी के घर पर पहुंची, कॉल करने वाले के घर पर पहुंचती है। पुलिस को वहां पर आरोपी के पिता मिलते हैं और वो बताते हैं कि उनका बेटा रविंद्र तिवारी है जो कि 40 साल का है, वो अक्सर ऐसी कॉल करता रहता है क्योंकि उसका दिमाग जो है वो खराब है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। परिजनों ने दावा किया कि मानसिक हालात ठीक नहीं होने की वजह से रविंद्र ऐसा कई बार कर चुका है, वो नशे का भी आदी है। अब आरोपी रविंद्र तिवारी सादपुर एक्सटेंशन में फिलहाल रहता है। ऐसे में आरोपी की पिछली कॉल डिटेल भी निकाली गई जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी की पिछली हॉक्स कॉल 29 अप्रैल 2024 को प्रेसिडेंट हाउस में बम रख दिया है जो 15 मिनट में फट जाएगा। जनवरी 2022 योगी आदित्यनाथ को मयूर विहार फेज 1 रेड लाइट पर उड़ा देगा। अक्टूबर 2016 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गोली लगने वाली है। अक्टूबर 2010 सीएम शीला दीक्षित के घर बम प्लांट कर हत्या करने जा रहा है। अक्टूबर 2009 दिल्ली के कई इलाकों में बम प्लांट किया, जल्द विस्फोट होंगे। तो कुछ इस तरीके से रविंद्र तिवारी की कॉल हॉक्स निकली, यानी वो कॉल जिसमें उसने धमकी दी। हालांकि अब दिल्ली पुलिस ने रविंद्र का इलाज करना शुरू कर दिया है और उसका इलाज जो मानसिक तरीके से बताया जा रहा है कि वो दिवालिया है, उसका भी इलाज अब जल्दी ही होगा। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाई और संवेदनशील मामला लेकर इसे जांच शुरू की, उसमें ये सब जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस पे आगे क्या कुछ बयान जारी करती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।